मोदी जी को देता हूं बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कश्मीर से धारा 370 हटाई, पारित कर प्रस्ताव दोनों सदनों में, देश के विरोधियों को धूल है चटाई। इससे पहले भी कई सरकारें गई और आई, पर किसी ने भी ऐसी हिम्मत और देशभक्ति नहीं दिखाई। मुक्ति दिलाई महिलाओं को 3 तलाक से, और स्वतंत्रता दिवस के पहले कश्मीरियों को स्वतंत्रता दिलाई। सलाम है उनके जज्बे को, जिन्होंने देशवासियों को ये ऐतिहासिक घड़ी दिखाई। एक एक वादे कर रहे सारे पूरे, जिम्मेदारियां और जुबान को न पीठ दिखाई। नमन है आज उस अमित शाह को भी, जिन्होंने विपक्ष को आंख दिखाई, हर घड़ी रहे साथ मोदी के, बन के उनकी परछाई। गर्व है माँ भारती के सपूत पे, जिसने हिंदुस्तानियों को विश्व में इज्जत दिलाई। तारीफ में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मैं परेश, पर कहां से लाऊं वो शब्द और उनमें वो गहराई। करो कविता को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि देशभक्ति दिखाने की बारी है आप सबकी अब आई। मोदी जी को देता हूँ बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कश्मीर से धारा 370 हटाई करके प्रस्ताव पारित दोनों सदनों में, उन्होंने विरोधियों को धूल है चटाई। नमस्ते दोस्तों, मेरे इस चैनल परेशन में आप सभी का फिर से एक बार आज के इस ऐतिहासिक दिन में स्वागत है। आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है, इसमें मुझे कुछ खास कहने की जरूरत नहीं है। आपने जो पूरी कविता मेरी सुनी है, आप समझ चुके होंगे कि आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि आज के दिन श्री नरेंद्र भाई मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम लिया है, जिसको आने वाली पीढ़ी और हिंदुस्तान की पीढ़ी और साथ ही कश्मीर में रहने वाले तमाम लोग, तमाम कश्मीरी पंडित आने वाले सैकड़ों सदियों तक उनको याद करेंगे। और उनके इस महान अभूतपूर्व काम को मैं सलाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, और तहे दिल से देश की तमाम जनता को, कश्मीरियों को उनके हक को मिलने के लिए, और मोदी जी को, अमित शाह जी को और भाजपा को हृदय से बहुत 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 बधाई देता हूं। धन्यवाद।